यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडेज का लॉ और लेंज लॉ पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? तो आ जाइए सीखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 का फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, ये आपका चैप्टर है 6 नंबर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ये बोलो तो बेटा, EMI होता है। EMI, इसका फाउंडर कौन था? फराडे था। पिछले लेक्चर हम लोग सीखे थे इसका फाउंडर कौन है, फराडे है। तो आइए सीखते हैं हम लोग, पहले इसमें आइए समझते हैं फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका आ रहा है फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बेटा, ये लॉ किया था इसका, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखते हैं, ये दो लॉ प्रोवाइड किए थे, फर्स्ट लॉ क्या था और सेकंड लॉ क्या था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले देखिए, फर्स्ट लॉ जो था इसका, बोला था व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर और क्वाइल, क्वाइल नहीं दिख रहा, चलो देख लोगे, थोड़ा घुमा देता हूँ। कंडक्टर और क्वाइल चेंजेज एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। बेटा कह रहा क्या, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर और क्वाइल चेंजेज एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। क्लियर है? और लॉ सेकेंड कह रहा है, सेकेंड लॉ इसका स्टेटमेंट था, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर और क्वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर और क्वाइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा हुआ लिंकेजेस। क्लियर है बेटा? समझ रहे हो बात को? कोई भारी चीज तो नहीं लिखा, आसान लिखा इसने। लिखा है व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर और क्वाइल चेंजेज एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। दूसरा कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन ए कंडक्टर और क्वाइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेज, देखो बेटा ये क्या होता है, ये बताए थे EMF का मैग्नीट्यूड, माने ये इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, EMF बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो बेटा ये क्या आ रहा है यहाँ पर, वो इज इक्वल टू ई का मोड ऐसे ही लिखो d∅ by dt, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको E का मोड, यानी E इज इक्वल टू d∅ by dt। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक चीज लिखना, यहाँ पर समझने वाली बात है, E का मोड d∅ by dt, मैथमेटिकल साइन यूज हम लोग करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे, इसमें लेंज लॉस आएगा एंड लिखेंगे हम लोग E इज इक्वल टू -n d∅ by dt, वेयर एन नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वाइल, वेयर एन
इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वाइल नंबर ऑफ टर्न्स है और द माइनस साइन, देखो यहां पर लिख रहा हूं बेटा द माइनस साइन कम्स फ्रॉम लेंज लॉ एंड इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। देख लिए इसको मैथमेटिकली, देखिए प्रूफ करते हम लोग पहले। तो बेटा आपने देखा, थोड़ा दिख रहा आपको, नीचे से कर देता हूँ थोड़ा सा, देख लीजिए इसको, दिख रहा नहीं दिख रहा तो थोड़ा ऊपर से लिख देता हूँ इसको, देखो समझ रहा है इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप इसको, चलो मिटा लेता हूँ इसको। चलो मिटाता हूँ पहले, देखो मिटा लेता हूँ। चलो हो गया, समझ गया इसको, नहीं समझा कराकी से द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर और क्वाइल चेंजेज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर और क्वाइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी एंड इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी ये हो गया हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशन व्हेन एन व्हेयर एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल द माइनस साइन कम्स फ्रॉम लेंज लॉ एंड इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा जो लेंज लॉ से आ रहा थोड़ा देख लो इसको नीचे से चलो देख लिया अब चलो आगे बढ़ता हूँ मिटाता हूँ इसको इसका मैथमेटिकल अप्रोच कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं देखो मैथमेटिकल अप्रोच फैराडेज लॉ का मैथमेटिकल अप्रोच हम लोग कैसे करते हैं उसको सीखते हैं पहले देखिए चलो देखो मैथमेटिकल प्रूफ देखिए मैथमेटिकल प्रूफ देखता हूँ चलो देखो मैथमेटिकल प्रूफ इसका देखते हैं देखो मैथमेटिकल प्रूफ इसका मैथमेटिकल प्रूफ आ रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का देखिए मैथमेटिकल प्रूफ अप्रोच लिखो मैथमेटिकल अप्रोच क्या कहता है तो देखो इनिशियल पहले तो हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स एक बेसिक फार्मूला हम लोग पास आ रहा है नंबर ऑफ यानी ये
एन इंटू फाइव, क्लियर, इससे हम लोग रिलेटेड करेंगे। एन फाइव आ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेज। देखो बेटा इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक लेंगे, ले लिया। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेज एन फाइव टू लिया, इसका प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे एन फाइव वन फाइव टू माइनस फाइनल माइनस इनिशियल एन फाइव टू माइनस एन फाइव वन, क्लियर। ये आ रहा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एन फाइव टू माइनस एन फाइव वन बाय डी टी। इसी को हम लिख सकते हैं पूरा फॉर्मूला के साथ, डी फाइव इज इक्वल टू लिखेंगे डी फाइव इज इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन, क्लियर, फाइव टू माइनस फाइव वन डी फाइव चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो ये एन बाहर आएगा एन, और ये हो जाएगा फाइव टू माइनस फाइव वन, और इसी को बेटा लिखेंगे हम लोग डी फाइव, तो ये हो जाएगा एन डी फाइव बाय डी टी। ये रहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियर है। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से थोड़ा दिखने रहा, देखिए इसको बढ़िया से। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच में कहेंगे द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर और कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर और कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेज। देखो बेटा क्या कहा इसने, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेज रेट ऑफ चेंज ऑफ करा द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर और कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेज। तो आइए इसको देखते हैं, पहले देख लीजिए इसको, समझ गए। इसमें लिंकेजेज कह रहा है, तो लिंकेजेज कह रहा है तो उसको ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा सा मिटा ले इसको, चलो मिटा लेता हूँ, हो गया। देखो इसमें क्या होगा, लिंकेजेज कह रहा है तो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो एन ईएमएफ या एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेज। थोड़ा लेवल का चीज है, देखो यहाँ ध्यान से, लिंकेजेज लिंकेजेज माने उससे संबंधित जो होता है। तो ई प्रोपोर्शनल क्या होगा, एन फाइव टू माइनस एन फाइव वन बाय डी टी। ऊपर में बेटा बताए थे इसका वैल्यू, माने ई इज इक्वल टू ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन बाहर करेंगे फाइव टू माइनस फाइव वन और बाय डी टी। और मैंने बताया था डी फाइव इज इक्वल टू होता है फाइव टू माइनस फाइव वन, ये वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पर, ई प्रोपोर्शनल एन डी फाइव बाय डी टी, ई इज इक्वल टू के एन डी फाइव बाय डी टी, के बिकॉम्स यूनिटी, के बिकॉम्स यूनिटी है, यूनिटी मीन्स यूनिट है, वन यूनिट है, मान एक का वैल्यू वन है, सपोज डेट मान लो वन है के का वैल्यू,
तो E इज इक्वल टू एन डी फाइव आय डिट, ये बोल्ट समाएगा, बोल्ट समारा ई एम एफ, क्लियर। अब देखो मैथमेटिकली साइन यूज करने पर, मैथमेटिकली जब इसमें साइन यूज हम लोग करेंगे तो माइनस साइन लगेगा। अब देखो ध्यान से लिखता हूँ, एन इंड्यूस्ड ई एम एफ, इंड्यूस्ड ई एम एफ इज मैथमेटिकली मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड अलोंग विथ साइन। तो इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाय डी टी बीटा होगा। ये हो गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वह एन द माइनस साइन, द माइनस साइन कम्स फ्रॉम लेंज लॉ एंड इंडिकेट्स द माइनस साइन कम्स फ्रॉम लेंज लॉ एंड इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है बेटा, माइनस साइन किसको शो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को शो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ शो करेगा। क्लियर है, देख लीजिए बढ़िया से। चलो देख लिया, ये होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों को आ रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को हम लोग कैसे डायरेक्टेड करते हैं, डायरेक्शन को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके भाई, आज यही तक रहेगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ। ये देख रहे हो के का वैल्यू 1 रखेंगे तो एन डी फाइव बाई डी टी वोल्ट आएगा, ईएमएफ है तो वोल्ट भी आएगा। चलो ठीक है, ओके आज यहीं तक रहेगा।